हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और हमारे इस एक्टिव प्लम्बर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोहे का जो स्मार्ट कंट्रोल लगाया हुआ है, तो स्मार्ट कंट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो देख सकते हैं यहाँ इसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो टाइल्स का लेवल है, ये व्हाइट पट्टा रहता है। आपको इसके सेंटर में मार्किंग दे के आपको काम करना होता है। और हमने यहाँ का आप देख सकते हैं बी का फ्लो रेट ए और सी से ज़्यादा है, तो हमने बी वाला है जो बॉडी शूटर को दिया है। ये जो आप चार बॉडी शूटर्स देख रहे हैं, इनको हमने बी वाला पॉइंट दिया है और ए वाला और सी वाला हमने ड्यूअल फ्लो का शावर है, इसके लिए वहां पर भी ए बी लिखा है साइड में, तो उसको हमने पॉइंट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो पॉइंट निकाले हैं, ये हमने हॉट एंड कोल्ड के अलग अलग लाइन से निकाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट और कोल्ड का कनेक्शन है, ये हॉट का है और ये कोल्ड का है। तो यहाँ से हॉट का लाइन से कनेक्शन निकला है और कोल्ड के लाइन से अलग कनेक्शन निकला है। तो और इसका जो आप देख रहे हैं ये बॉडी शूटर्स है, इसका भी मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो व्हाइट पट्टा है इसके अंदर चाहिए। और इसका जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडी शूटर का जो डिस्टेंस है वो हमने 16 इंच रखते हैं, 16 इंच से लेके 18 इंच तक चलता है। और इसका जो हाइट है, हमने फ्लोरिंग से इसका हाइट इसका जो है ये 900 पे रखा है और इसका है 1300 पे रखा है। और इसके सेंटर में हमने डायवर्टर को जो स्मार्ट कंट्रोल है ग्रोहे का, उसको हमने 1100 पे रखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बेसिन मिक्सर है, और बेसिन मिक्सर का भी है, ये जो आपको यहाँ तक ही कंसील्ड होना है, इसके आगे नहीं आना है, यहाँ तक ही होना है, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोहे का फ्लश टैंक लगाया हुआ है, इसको रैपिड एसएल बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।